तो बेटा आपका नाम क्या है बताएंगे? इंदु। इंदु बेटा आप कहाँ से आते हो? मैं इंद्रगढ़ से आती हूँ मैम। तो इंदु बेटा ये जो ICS कोचिंग आपने चुना कि भाई मैं यहाँ पे स्टडी करूँ, क्यों चुना आपने? क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए थी और सर ICS से बेटर कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए, क्योंकि मैंने डेमो लेके देखा है और भी कोचिंग सेंटर में, वहाँ पे कहीं मैथ कमज़ोर है, कहीं पर रीजनिंग कमज़ोर है, कहीं पर तो सारे कमज़ोर हैं। यहाँ पे मुझे पूरी की पूरी क्वालिटी मिल रही थी तो मैंने यहीं पर एडमिशन लेने के लिए सोचा। तो यहाँ पे हैं तो आपके लिए क्या फ़ीस रखी है यहाँ पे सर लोगों ने? फीस की बात करें तो यहाँ पे हर कोई अच्छे से कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिनिमम फीस है और पूरी साल के लिए है, और कोचिंग सेंटर में पूरी साल के लिए तो 80,000 तक रुपए ले लेते हैं। अब गरीब बच्चा कैसे अफोर्ड करेगा? यहाँ पे एकदम रीजनेबल फीस होती है जिसके कारण आप अच्छे से पढ़ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे कि आपका परिवार यहाँ पे, जैसे कि हम लोग उन्हीं से बात कर रहे हैं जो आज का टॉपिक मैंने बताया आपको कि एक गरीब मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, तो आप अपने परिवार के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मेरे परिवार के बारे में तो बस ये बताना चाहूँगी कि अभी तो कोई आय का साधन नहीं है, बस भैंसे रख रखी है, उनके थ्रू गुजारा होता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं ये सब रोक लूँ, मैं अपने पैसे से अब मेरे माँ बाप का ये सपना पूरा करूँ। उनका सपना है कि मैं नौकरी लग जाऊँ, तो यही सपना मैं पूरा करना। भाई क्या करते हैं? भाई भी ICS में ही कोचिंग ले रहा है। तो बेटा जो आपके परिवार की ऐसी क्या कंडीशन हुई, क्यों हुई, कुछ बता पाएंगे? हुई तो पहले पापा जी की सबमर्सिबल मोटर की शॉप थी, फिर धीरे धीरे काम मिल मतलब मोटर लेना लोगों ने थोड़ा कम कर दिया, शायद वाटर टेबल की बात हो सकती है क्योंकि पानी का स्तर नीचे की तरफ जा रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे पानी का स्तर नहीं। पहले तो शॉप की मतलब आमदनी कम होने लगी, फिर बाद में अभी बंद ही होगी, 3-4 साल से बंद है। इंदु जैसे कि आपके घर के जो हालात आज किस तरह के, किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एक तरह से फ्री कोचिंग करनी पड़ रही है? अभी तो बिल्कुल मतलब साधन नहीं है कमाई का, तो फिर फ्री कोचिंग का तो हो गई, क्योंकि फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा। एक कहानी बताएंगे आपके घर की, जिस सिचुएशन से आप गुजरे, आपका पूरा परिवार गुजरता ना हो और फिर वो माहौल कैसा रहा होगा, कोई एक कहानी आपको याद होगी बताएंगे आप हमारे दर्शकों को, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि भैया ये बच्चे होनहार होने जा रहे हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छे पढ़ करके जॉब भी लगेंगे ICS के माध्यम से, तो एक ऐसी कोई कहानी बताएंगे? मेरे घर में तो ऐसी कहानी रोज़ मिलती है मुझे देखने को, जैसे कि अभी जैसे कि कई बार है ना बुक के लिए भी पैसे नहीं होते, बाई चांस अभी सर्दियों में भी जैसे कपड़े खरीदते लोग मतलब देखती हूँ मैं खरीद पाते क्योंकि पैसे नहीं हैं, और पैसे नहीं होंगे तो कैसे खरीदेंगे। अब जैसे कि कई कई बार तो मतलब राशन के लिए भी पैसे नहीं मिलते। जैसे कि राशन नहीं होता उस दौरान आप कैसे करते होंगे भाई हमें अब आज का खाना हमारा कैसे बने? उस दौरान तो थोड़ी देर में फिर दिक्कत भी तो मतलब और कम हो जाती है, कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम तो तभी ख़त्म होगी जब हम नौकरी लगेंगे। आपका पूरा परिवार भावुक हुआ हो जिस दिन आंसू आए हैं आपके परिवार में, ऐसी कोई ऐसा कोई समय रहा है आपके परिवार के साथ? बात है कि मेरे पापा जी ने कुछ मतलब जब व्यवसाय बंद होने वाला था तो उसके लिए मतलब उसको दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए कुछ पैसे लिए थे लोन पे, तो पापा जी ने बोला कि जब अरेंज हो पाएगा तो मैं आपके लौटा दूंगा, तो तब तो उन्होंने नहीं माना, फिर बाद में रोज़ आने लगे कि आपको किस्त देनी पड़ेगी हर महीने 500 या 1,000 की किस्त दो, तो जैसे तैसे अरेंज करके देने लगे, फिर बाद में उन्होंने नोटिस भेज दिया, उस नोटिस पे मैं उस टाइम नहीं थी। आप देख रहे हैं कि गरीब परिवार का बच्चे किस तरह से भावुक होते हैं, और एक ऐसा बच्चा होता है कि वो AC में ही जन्म लेता है और AC में ही रहता है और AC में ही वो इस ज़िंदगी से पार हो जाता है, और ये हम किसको इसका दोषी ठहराएं, सरकार को या हम अपने आप को, या एक उससे जो है एक गरीब को गरीब करते जा रही है और एक अमीर को अमीर बनाते जा रही है। बेटा जैसे कि आपने किया बहुत अच्छा है, ICS कोचिंग सेंटर को आपने चुना है बहुत अच्छा, तो आपको क्या उम्मीद है इस सेंटर से? उम्मीद तो सभी को रहती है, बस उम्मीद मुझे यही है कि मैं जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाऊं, अच्छे से पढ़ के टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो करके।
बेटा हमारी इंदू हमारी और हमारे चैनल की आप लोगों के साथ में आपके साथ में दुआएं हैं, बहुत जल्दी भगवान आपको कामयाब करेगा और आपके जो सपने हैं आपके परिवार के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात और, आप हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? बस की हिम्मत मत हारो, आपकी मेहनत ही आपको रास्ता दिखाएगी, बाकी कुछ रास्ता नहीं दिखा सकता। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका, थैंक यू। और मैं एक बात जी अभी बताइए एक ही बात कहना, सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि एकदम फेयर तरीके से एग्ज़ाम करवाएं। जैसे बड़ी पोस्ट पे रहते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए, ताकि पैसे मिले बच्चों से, एग्ज़ाम लिए करवा देते हैं, तो फिर जो पढ़ने वाले बच्चे उनका क्या होगा? मतलब पढ़ने वाले बच्चे तो झाड़ू पोछा लगाएंगे दूसरों के घर में, और जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उनके ऊपर राज करेंगे। ये तो फिर बिल्कुल ही इंडिया को, मतलब बात करते हैं लोग कि इंडिया को मतलब उत्थान करेंगे, तो ये तो डिक्लाइन में ही जाएगा हमारा देश जी। अब दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ क्वालिटी देखी जाती है, वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि ये प्रेसिडेंट का बेटा है या किसी बड़े अधिकारी का बेटा है। वहाँ पे अगर गरीब बच्चे के पास भी क्वालिटी है ना, तो उसको ऊपर लेके जाएंगे, ना कि पीएम के बेटे को, ना कि प्रेसिडेंट के बेटे को। किसी अधिकारी का बच्चा है और वो कुछ किए बगैर ही उस पोस्ट को हासिल कर लेता है, ये हम सब के लिए शर्म की बात है। तो इनका कहने का भी यही तात्पर्य है कि जो है सब क्लियर होना चाहिए, उसी को ही मिलना चाहिए हक जिसका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका हमारे चैनल के साथ।